हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में। हमने आपके सामने टॉप 10 संभावित प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाकर लाया है। और दोस्त, आप हमारे कंटिन्यू चंद्रा इंस्टीट्यूट के चैनल को देखते रहिए और आपका सलेक्शन एकदम 100% पक्का है। हम लोग और हमारी टीम पूरी आपके सलेक्शन के लिए एकदम मेहनत कर रही है। और आपको अब कंटिन्यू जनरल साइंस हो या फिर मैथ हो या रीजनिंग हो, कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस दिया जाएगा। दोस्त, आइए इसी के क्रम में हम लोग बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। यहाँ पर लिखा है, किसी मनुष्य के भार पृथ्वी पर यदि 60 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। दोस्त, इसका अगर इस क्वेश्चन का अगर आप जवाब दे सकते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में दीजिए, आपके लिए 2 सेकेंड का टाइम है। दोस्त, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 100 न्यूटन। देखो, अगर किसी आदमी का भार अगर पृथ्वी पे, ठीक है, 6 केजी है तो वह चंद्रमा पे डायरेक्ट इसका क्या होता है, 1/6 हो जाता है। ठीक है, चंद्रमा पे क्या होता है, 1/6 होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे आपका भार घटने लगता है, राइट। तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किसी मनुष्य के भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, भार दे दिया 600 न्यूटन, तो पूछ रहा है कि चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, अर्थात चंद्रमा पर उसका भार कम हो जाएगा, कितना मालूम पड़ेगा, 100 न्यूटन, राइट। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डी, 100 न्यूटन। देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप बार बार मिस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप लोग, लिखा हुआ है, एक बीकर में पानी बर्फ पर तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल, ऑप्शन नंबर ए देखिए बढ़ेगा, बी देखिए घटेगा, सी दिया है उतना ही रहेगा और डी दिया है पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। और आप इस क्वेश्चन का अगर आप जवाब दे सकते हैं तो समझ जाइए कि आप 100% सिलेक्शन के पात्र हैं। ये बहुत ही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है ये सब। देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी, उतना ही रहेगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आलू क्या है, आलू क्या है, जड़ है, तना है, कली है, फल है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आलू क्या है, तना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़िए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पर दिया है, केसर का मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग होता है। जो केसर का मसाला होता है उसको बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पत्ती, सेकेंड दिया है पंखुड़ी, सी दिया है बाह्य दल और डी दिया है वर्तिकाग्र। आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्त डी, वर्तिकाग्र, राइट। अब देखिए 5वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये दिया क्या है कि आयोडीन किससे प्राप्त होता है, आयोडीन किससे प्राप्त होता है, स्पाइरोगाइरा, बी दिया है लिमेनेरिया, सी दिया है उडोगोनेमियम, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। देखो, ये दोनों क्या है, ये दोनों शैवाल के उदाहरण हैं, दोनों क्या है, शैवाल के उदाहरण हैं और आपसे पूछता है कि इसमें आयोडीन किससे प्राप्त होता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा लिमेनेरिया, इससे क्या होता है, हमारा आयोडीन अर्थात नमक प्राप्त होता है। शैवाल का आप सबसे अच्छा उदाहरण अपने लाइफ में देख सकते हैं, आप देखिएगा काई, काई क्या होता है, शैवाल का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, ठीक है। तो काई जो होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं, कुछ काइयों को हम खाने के रूप में भी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आप जापान कंट्री में चले जाइएगा तो वहाँ पे शैवाल अर्थात काई का उपयोग और लोग सलाद के रूप में भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडीन निर्माण में हम लोग क्या करते हैं, लिमेनोरिया काई का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं या शैवाल का उपयोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए क्या दिया है, इबोला क्या है, इबोला क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, कवक है। आप इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, वायरस। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। थोड़ा सा गाइस
इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। न्यूक्लियस में, बी दिया है माइटोकैंड्रिया में, सी दिया है क्लोरोप्लास्ट में और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर होगा, आप एक बार इसका रिप्लाई करिए सभी लोग, इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, क्लोरोप्लास्ट में। आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। यहाँ पर दिया वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, खाली स्थान है किया जाता है, ठीक है, पेयजल के कीटाणु शोधन के लिए, बी ऑप्शन है पकाने के लिए, सी दिया है कठोर जल जल को नरम करने के लिए और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका करेक्ट आंसर होगा कठोर जल को नरम करने के लिए। क्या करते हैं, वाशिंग सोडा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कठोर जल को नरम करने के लिए। जो हैवी वाटर होता है, जो कठोर जल होता है, उसमें आसानी से झाग नहीं देता है, झाग उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए उस जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है, आप इसका आंसर दीजिए। दिया है DDT, बी दिया है मेलाथियन, सी दिया है मेथिल ब्रोमाइड और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसका होगा इनमें से कोई नहीं। तो होता क्या है, खरपतवार नाशी के लिए हम लोग 2,4-D एक हमारा ये रसायन है, इसका हम लोग क्या करते हैं, खरपतवार नाशी के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2,4-D, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इनमें से क्या होगा, कोई नहीं। अगर आपसे ऑप्शन में अगर 2,4-D दिया होगा तो आप क्या करिएगा, ऑप्शन पे 2,4-D ही क्या करिएगा, टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी, यहाँ पर दिया है पोलियो, बी दिया है HTLV और सी दिया है TMB और डी दिया है HIV। तो किस वायरस की सबसे पहले खोज हुई थी, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, HIV। सर्वप्रथम किस वायरस की खोज की गई थी, HIV की, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके लिए है, और इस क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और इस क्वेश्चन का उत्तर हम कल बताएंगे। पहले क्वेश्चन आपके सामने मैं पढ़ देता हूं और आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर मैं कल बताऊंगा आपको। दिया है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने भाग मान संभव है, क्या दिया है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, ये आपके ऑप्शन है 2, बी दिया है 3, सी दिया है 4, डी दिया है 5। तो आप इसका करेक्ट आंसर कल हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हम आपको जब कल अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा तो वहां पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा। दोस्त, अगर हमारी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक बार जरूर हमारे आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा ताकि उनको भी हमारी वीडियो सारी कंटिन्यू प्राप्त हो सके। दोस्त, आप जैसे कि जानते हैं चंद्रा इंस्टीट्यूट का इतिहास है कि ये क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो फंसते हैं। आप मिस नहीं करिए पूरे सेशन चंद्रा इंस्टीट्यूट के, जितने भी हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं और हमारी टीम करा रही है, आप उसको देखते रहिए दोस्त। तब तक के लिए दोस्त आज थैंक यू, धन्यवाद।